तो ये जो आप वाटरफॉल अभी तक देखा, ये वाटरफॉल है उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर ज़िले में, जो कि बनारस से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पे है। तो अगर आप बनारस में रहते हैं या बनारस के आसपास रहते हैं, तो आप वाया बनारस जो है इस वाटरफॉल लखनिया दरी चुनार जा सकते हैं और वहाँ पर आप आनंद ले सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। तो हम लोग लखनऊ से बनारस आए, वहाँ पर स्टे किया और वहाँ से फिर हम लोग लखनिया दरी के लिए जा रहे हैं। और ये जो रास्ता है ये मिर्ज़ापुर के लिए जाता है और बीच में लखनिया दरी है, मिर्ज़ापुर उसके आगे जाते हैं। मिर्ज़ापुर में बहुत सी ऐसी जगहें हैं जहाँ पे आप घूम सकते हैं, जहाँ पे वाटरफॉल है। तो ये देखिए अभी रास्ते में आपको देखिए ये हरा भरा पूरा पहाड़ आपको नज़र आ रहा है और बहुत ही ज़बरदस्त व्यू यहाँ से नज़र आ रहा है, आपको भी देख रहे होंगे।
जब कभी भी आप बनारस से लखनऊ घूमने जाएंगे, तो जब लखनऊ दरी के रास्ते पे आप पहुंचने वाले होंगे तो आपको नेचर बहुत ही अच्छा फील होगा और आपको लगेगा कि बस यहीं पे रुकें और थोड़ी देर रुकें। बहुत ही ज़बरदस्त अच्छा लगता है, आप कभी ज़रूर विज़िट करें। और देखिए ये पूरा हरा भरा पूरा क्षेत्र, और देखिए कितना ज़बरदस्त लग रहा है, हर तरफ हरियाली हरियाली और एक सुनसान और ठंडी हवा जिसको मैं बयान नहीं कर सकता अपने लफ्ज़ों में। बहुत ही खूबसूरत जगह, मुझे बहुत पसंद आई। फाइनली हम लोग लखनिया दरी पहुँच चुके हैं, और देखें यहाँ से पार्किंग है, जो गाड़ियाँ यहाँ पे खड़ी हैं वो काफ़ी लंबी पार्किंग है। यहाँ पे बहुत सी गाड़ियाँ, बहुत से टूरिस्ट यहाँ पे आए हुए हैं। और अभी आगे है लखनिया दरी का गेट जहाँ से इंटर करना है, और यहाँ का टिकट बहुत ही सस्ता है, सिर्फ 5 रुपीज़ मल्ली यहाँ का टिकट है। और यहाँ पर देखिए आपको खाने पीने का जो सामान है आप यहाँ से ले सकते हैं, लेकिन अंदर पॉलिथीन वगैरह फेंकना मना है, तो इसका आप ध्यान रखें। ये देखिए मेन गेट है, और ये देखिए सामने सारे छोटे छोटे कैफे हैं। ये लखनिया दरी में आपका स्वागत है, और यहाँ से आप इंटर करेंगे। यहाँ पे देखिए नोटिस भी है कि जो है यहाँ पे पानी में डूब के कई लोग मर चुके हैं, तो आप ज़्यादा भाव जहाँ पे ज़्यादा है पानी का वहाँ पे जाना सख्त मना है। और ये देखिए पूरा अंदर का एरिया है, लोग यहाँ पे जा रहे हैं, यहाँ से आगे जाएंगे तो वहाँ से वो वाटरफॉल नज़र आएगा। ये देखिए यहाँ पे वाटरफॉल है, और ये बहुत ही बड़ा है, बहुत ही दूर तक है, और अंदर काफ़ी अंदर जाना मना है, यहाँ पे आप नहीं जा सकते। और पानी का बहाव जहाँ सब पे ज़्यादा है वहाँ पे आप नहा नहीं सकते, आपको किनारे बैठ के नहाना है, क्योंकि पानी का बहाव कभी कभी अचानक बढ़ जाता है जिस पे ख़तरा हो सकता है। इसमें जब नहाते हुए कई लोग, 1 साल के अंदर 7 लोगों की मृत्यु यहाँ बताया कि हो चुकी है इस पानी के बहाव की वजह से। Oh.
दिखा दो यार आगे। ए आइए आगे ऊपर वाला झरना देखिए। नहीं मेरे चैनल बंद ना हो। यहाँ पे लोग आते हैं और फैमिली के साथ आते हैं और यहीं पे जो है खाना वगैरह बनाते हैं और खाते हैं, यहीं पे नहाते हैं, काफ़ी टाइम स्पेंड करते हैं। तो अगर आप फैमिली के साथ भी आना चाहते हैं तो आप यहाँ आ सकते हैं और यहाँ किनारे खाना वगैरह बनाइए। किसी तरह की कोई बनाई नहीं है यहाँ पे, कोई प्रतिबंधित नहीं है यहाँ पे, तो आप यहाँ आ सकते हैं, फुल टाइम एंजॉय कर सकते हैं पूरे दिन जब तक ये क्लोज़ नहीं होता है। 6 बजे के बाद यहाँ पे आप नहीं रह सकते, आपको बाहर अब यहीं नहाया जाए यार। अब बस यहीं है, बस और कुछ नहीं है। भगवान ही हो गया कुछ अब ज़्यादा। तो हम लोगों ने इस लकड़िया दरी में काफ़ी टाइम स्पेंड किया और वहाँ पे नहाया, बहुत ही मज़ा आया। खतरे से भी थोड़ा बच गए क्योंकि पानी का बहाव था, तो एक बार बहने से बचे और अब हम लोग वापस हो रहे हैं। तो अगर आप आ रहे हैं और यहाँ पे नहा रहे हैं तो बहुत ही एहतियात रखिएगा, ख़तरा बहुत ज़्यादा है यहाँ पे पानी के बहाव में, पानी का बहाव बहुत ही तेज़ रहता है। तो अब हम लोग वापस हो रहे हैं और वापस फिर बनारस जा रहे हैं। ये देखिए लकड़िया दरी के जो वापस होते हैं उस रास्ते पे देखिए भी कितनी हरियाली है यहाँ पे, बहुत ही ज़बरदस्त ये जंगल पूरा, और बीच में देखिए रास्ता है और ये पहाड़ काट के ये रास्ता बना हुआ है। ये देखिए यहाँ पे लोग जा रहे हैं और यहाँ पे रोड किनारे भी आपको बहुत से लोग मिल जाएंगे जो यहाँ पे अपनी फैमिली के साथ बैठ के खाना वगैरह बना रहे हैं लोग यहाँ पे। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त सीन है। तो आप मुझे बताइएगा कमेंट में कि आपको लकड़िया दरी कैसा लगा वीडियो में, और अगर आप आना चाहते हैं और कुछ जानना चाहते हैं तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको पूरी हेल्प करूंगा अगर आप यहाँ पे जाना चाहते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।